हेलो स्टूडेंट्स यू आर वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल्शनल डिपेंडेंसीज एंड इट इज अब एंडल सी स्टूडेंट्स आई वु टू सजेस्ट यू कि अगर आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी टर्म समझना है बिकॉज इस लेक्चर में हम ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल डिस्कस करेंगे इन केस यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दैन यू मस्ट गो थ्रू द लेक्चर नंबर थर्टी फोर and we will also discuss how we can find closure and equivalence based on the functional dependency so let me tell you the content we will discuss first trivial and non-trivial functional dependency then we will uh, we will calculate closure of a particular set of attributes and then we will see that whether two sets of functional dependency is equivalence or not so here we go to start our topic so uh, functional dependency

क्या है ए इज अबसेट ऑफ ए बी राइट हम कह सकते हैं कि ए इज अबसेट ऑफ ए बी हमें क्लियरली दिख रहा है सो इन दिस केस बीटा इज अबसेट ऑफ अल्फा देन

बट यू डोंग आपको कोई नई चीज नहीं, नहीं मिलती है बट डिपेंडेंसी आपकी वैलिड होती है बट इसकी जस्ट रिवर्स नॉन ट्रीवियल की बात करें तो हेयर बी आईडेंटिफाइड हमें न्यू एलिमेंट मिलता है राइट right? जैसे कि ट्रीवियल में हमें कोई भी नई चीज नहीं, नहीं मिलती है बिकॉज लेफ्ट राइट हैंड साइड जो आपका वैल्यू होगी वो आपकी अः लेफ्ट सबसेट होगी राइट सो दिस इज दिस इज हाउ वी कैन जज की कोई आपकी फंक्शन डिपेंडेंसी ट्रीवियल है या फिर नॉन ट्रीवियल है

राइट इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है फंक्शनल फंक्शनल डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी आपकी ठीक होगी होगी या नहीं हो तो स्टूडेंट की अगर हम बात करें आई एम रिकॉलिंग अगेन बट यू कैन गो थ्रू द लेक्चर किसी अल्फा एट्रीब्यूट के लिए टी वन टपल एंड टी टू टपल सेम है राइट टी टू अल्फाइज सेम इफ दिस कंडीशन होल्डन डिपेंडेंसी टू बी वैलिड और फंक्शन डिपेंडेंसी कब होगी किस केस में होगी T, T1 beta, T1 beta आपका टी टू बीटा के इक्वल होगा राइट right? अगर ये कंडीशन होल्ड होती है कि टी वन बीटा और टी टू बीटा आपके इक्वलेंट हो उस केस में हम इक्वल हो तो उस केस में हम बोलेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड्स गुड राइट सो इसमें हमें यही चेक करना है नाउ वी विल चेक हिट बाय वन गिवन है यहाँ फर्स्ट इज ए फिटरमाइंस देखे जहां पर की ए की वैल्यू इक्वल हो सो so, ए के लिए एक्ट वैल्यू यहाँ इक्वल है ए दिस वन इज ए दिस वन इज ए

दिस इज फोर फाइव तो ये वैल्यू सिर्फ यही दो टपल सेम है इन केस हम यहाँ पर सी की वैल्यू चेक करें इस वाले फोर फाइव के लिए सी कितनाशन डिपेंडेंसी होल्ड गुड नाउ इफ यू चेक फॉर द थर्ड ऑप्शन तो थर्ड ऑप्शन के लिए हम तो चेक करते हैं सी ड्राइव्स डीई राइट सो सी के लिए हम देखें किन टपल्स के लिए इफ दिस कंडीशन होल्ड यहाँ पर मैंने आपको कंडीशन बता रखी है इफ टी वन अल्फा और टी टू अल्फा सेम है तो उस केस में टी वन बीटा और टी टू बीटा भी सेम होने चाहिए बस हम यही चेक कर रहे हैं उसी के बेसिस पर हम बता रहे हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड गुड और नॉट सो फॉर द थर्ड ऑप्शन सी ड्राइव टी ई आई एम टेकिंग विद्लू कलर सो सी में हम सी कॉलम में देखें सारी वैल्यूज थ्री थ्री है तो पूरे कॉलम में वैल्यू थ्री थ्री है राइट right? तो सारे टपल्स टी वन अल्फा टी टू अल्फा टी थ्री अल्फा टी फोर अल्फा सब थ्री है और अब इनके लिए अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो हमें T1 बीटा यानि बीटा यानी कि में क्या आ जाएगा और और e इट e कॉलम भी आपका पूरा सेम रहना चाहिए बट अगर हम टी और ई e को ऑब्जर्व करें इट इज फोर फाइव इट इज फोर फाइव तो इन दो टपल्स टी वन बीटा टी टू बीटा तो सेम है बट टी थ्री बीटा टी फोर बीटा भी फोर फाइव होना चाहिए था उस केस में हम बोलते कि दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड्स गुड बट इसको बोलेंगे इट इज नॉट होल्ड गुड आई होप क्लियर नाउ फॉर द लास्ट ऑप्शन लेट से बीसी ड्राइव ए राइट बी सी एम्प्लाइज ए तो हम बी सी के लिए देखें कहा पर वैल्यू सेम है सो फॉर द बी एंड सी ट्रपल दिस इज टू थ्री राइट टीवन अल्फा टी टू अल्फा एंड टी थ्री अल्फा राइट तीन टपल्स आपके सेम है तो इनके लिए ए के वैल्यू सेम होनी चाहिए इफ यू चेक हेयर फॉर दिस टपल दिस इज ए तो बाकी टपल्स के लिए भी ए होना चाहिए सो इट इज ए इट इज ए राइट सो टू थ्री के लिए जहां जहां पर और C में two, है, वहां पर वैल्यू आपकी ए है सो वी कैन से दैट दिस होल्ड गुड

एंड बी से हम देख रहे हैं बी से आपका सी बी फंक्शन डिटरमाइन हो रहा है सो बी बी प्रेजेंट होने केस में आपके क्लोजर में ए और बी प्रेजेंट है और बी की वजह से यहाँ पर सी बी आ जाएगा सो दिस इज द्लोजर ऑफ सेट ए नील चेक द क्लोजर ऑफ बी सो फॉर चेकिंग क्लोजर ऑफ बी वी नीड टू कैलकुलेट बी प्लस एंड बी का क्लोजर

राइट ए इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग बी सो ए के साथ हम इस सेट में बी भी ऐड कर सकते हैं राइट देन बी और सी मिलाकर फंक्शनली डिटरमाइनिंग डी ई सो बी और सी के साथ इस क्लोजर में डी और ई e भी आ जाएगा राइट सो दिस विल बी द क्लोजर ऑफ एसी राइट एसीबी डी ई

सो बी का निकालने के लिए स्टूडेंट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी उस सेट में प्रेजेंट होगा एंड बी इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग डी इन डिपेंडेंसी सेट सो बी एंड बी बी एंड आई होपै क्लियर टू यू नाजाम्पल आर इज दर इज एंडल्डर ऑफ ए बी So for finding closure of A B, first of all, A B will be there, right? A and B will be there because we are calculating the closure of A B. And because of A B, you can write C in the closure set. So C will be there. And B and C are functionally determining A D. So we can write here A and D also. A and A to already present so A are writing so D right? डी आ गया अब हम देख रहे हैं की डी इज डिटरमाइनिंग ई सो इस सेट में हम ई e भी पुट कर सकते हैं सो so ए और बी का क्लोजर आपका हो जाएगा ए बी सी डीई राइट सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट नाउ टेक एन अनादर एग्जाम्पल लेट से इन दिस क्वेश्चन आपको फंक्शन डिपेंडेंसीज गिवन है और आपसे एक पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंडेंसी पूछा गया है

सेट में बी सी एंड आ जाएगा एंड सी एंड डी की वजह से क्योंकि सी डी फंक्शनली इन द सो यू कैन राइट ई एज वेल इन दिस एंड देन आप चेक करें तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर डी इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग एच राइट सो इस डी की वजह से आप ई e तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ए और एच भी यहां पर लिख सकते हैं सो दिस विल बी बी सी डी ई ए एच अब हम देख रहे हैं कि बी सी डी के क्लोजर में आपको एच भी प्रेजेंट है राइट सो वी कैन से राइट हैंड साइड में बी सी डी इंप्लाइज एच सो दिस विल होल्ड गुड इट मींस दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी विल एक्सिस्ट राइट सो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली क्लोजर फाइंड आउट कर सकते हैं और अब किसी पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी को बता सकते हैं कि दैट विल एक्सिस्ट और नॉट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंस ऑफ़, वी विल चेक दैट वेदर टू सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी विल बीवलेंस नॉट सो फॉर फाइंडिंग द इक्वलेंस Let's say we are given two Ek set आपका ये है जिसमें दोनों में अलग अलग है अब हमें चेक करना है की क्या है? ये दो सेट इक्वेलेंस होंगे सो मैथड क्या है के को करने का, right? मैं आपको बताती हूँ पहले आप क्या करेंगे पहले आप

दिस सेट राइट जी सेट का, so, से का, तो का यूज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पर आ जाएगा राइट सो ए का क्लोजर हुआ आपका वी कैन सी हिडी नाउ वी हैलकुलेट द्लोजर ऑफ ए सी फॉर फाइंडिंग ए सी क्लोजर वी विल चेक ए और सी सबसे पहले इसमें आएगा अब ए और सी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि ए इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग सी एंड डी तो यहाँ पर सी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है डी भी आ जाएगा चेक करें तो सबसे पहले ई e के क्लोजर में आपका आया ई इट राइट देन इज डिटरमाइनिंग ए एंड एच राइट तो आप लिख सकते हैं ए

A is determining C, so डिटर की वजह से यहाँ पर C भी आ जाएगा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि A plus A plus और यहाँ पर जो A plus निकाला है ये दोनों ए सी डी मिल रहा है right? यानी कि A A, A का closure A सी डी यहाँ है यहाँ पर भी ए सी डी है In the similar way, E का closure पी ए डी एच सी इन द सिमिलर वे यहाँ पर भी यही है सो वी कैन सी वी कैन राइट दैट एफ इज अबसेट ऑफ G एंड जी इज अबसेट ऑफ एफ राइट वी कैन राइट दैट एंड इफ दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं एफ इज सबसेट ऑफ G एंड G सबसेट ऑफ F, देन वी कैन राइट दैट F इक्वल्स G। इट मीन्स ये दोनों सेट आपके इक्विवेलेंस फंक्शन डिपेंडेंसीज के सेट हैं सो स्टूडेंट आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट के सेट का क्लोजर फाइंड आउट किया इक्विवेलेंस देखा कि इक्विवेलेंस आप कैसे निकाल सकते हैं यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन ऑन दिसल दिस वीडियो